हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वॉइस टॉपिक समझेंगे इंग्लिश ग्रामर का। साथ ही साथ हम क्लास 7 की बीबीसी की वर्कशीट्स जो कि वॉइस टॉपिक पे हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिससे कि कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम करेंगे क्लासरूम असाइनमेंट 71। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करें सेंटेंस में। सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास? सब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन। जो भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, और जो भी रिसीवर है उस काम का इफेक्ट जो है जिस किसी पर पड़ रहा है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। एंड वर्ब, वर्ब क्या है हमारे पास? वर्ब आर द वर्ड्स दैट शो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एग्जिस्ट। जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है सेंटेंस में, वो हमारे पास वर्ब है। ए पार्ट हमें गिवन है आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। Not in some sentences there may not be any object. All the sentences are in active form. हमें कुछ sentences given है, हमें उसमें identify करना है कि subject, verb और object कौन से हैं। तो सबसे पहले हम first sentence देखेंगे। Everyone likes Rohan. तो आप सबसे पहले इसमें देखो कि कर्ता कौन है। Everyone, ये हमारे पास क्या है? Subject. अब लाइक करना, ये क्या है हमारे पास? वर्ब है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? वर्ब। और इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? रिसीवर कौन है इस सेंटेंस में? रोहन। तो रोहन जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस, द क्लर्क रोट द लेटर। तो इसमें वर्ब क्या हुई हमारे पास? क्रिया क्या हो रही है? लिखना। रोट जो है वो हमारे पास वर्ब हो जाएगी। कौन लिख रहा है? द क्लर्क। तो द क्लर्क जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब हो जाएगी, रोट एंड द लेटर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखेंगे, द डॉग चेज द थीव्स। द डॉग जो है इसमें हमारे पास डूअर है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। चेज्ड, पीछा करना, ये हमारे पास एक्शन है तो ये वर्ब हो जाएगी। द थीव्स ये हमारे पास रिसीवर है तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ, करीना प्लेट स्किलफुली। तो इसमें डूअर कौन है हमारे पास? करीना। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? खेलना। प्लेट जो है वो हमारे पास वर्ब हो जाएगी। स्किलफुली, करीना कैसे खेलती है? स्किलफुली। तो इसमें कोई भी रिसीवर नहीं है तो इट मीन्स हमारे को इस सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन नहीं है। स्किलफुली जो है वो वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, इट मीन्स ये हमारे पास एडवर्ब है। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। तो इसमें डूअर कौन है? द बॉयज की हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, आर फ्लाइंग वर्ब हो जाएगी एंड रिसीवर कौन है? काइट्स, जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है तो हमारे पास काइट्स जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ सेंटेंस, ही विल राइट अ लेटर। ही हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, विल राइट वर्ब, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेवेंथ, द सोल्जर्स फोट ब्रेवली। द सोल्जर्स हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, लड़ना, फोट इज वर्ब। कैसे लड़ते हैं? ब्रेवली, बट इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट हमें गिवन नहीं है। अली इज अ लॉयर, अली हमारे पास सब्जेक्ट है, इज वर्ब। बी पार्ट, राइट ए अगेंस्ट द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस एंड पी अगेंस्ट द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है एंड कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है इज परफॉर्मिंग द एक्शन, एंड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज सिंपली रिसीविंग द एक्शन। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर। ये आपकी ड्यूटी है कि आप गरीबों की हेल्प करें।
दिस इज एक्टिव वॉइस सेंटेंस. यू आर सपोज टू हेल्प द पुअर. आपको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए. इट इज इन पैसिव वॉइस. सेकेंड पार्ट बी सिटेड. ये क्या है हमारे पास? एक पैसिव वॉइस सेंटेंस. सिट डाउन, दिस इज एक्टिव वॉइस. थर्ड सेंटेंस, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है. ड्यूटी मस्ट बी डन, दिस इज इन पैसिव वॉइस. फोर्थ सेंटेंस, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट. दिस इज इन पैसिव वॉइस. वन शुड कीप वंस प्रोमिस, दिस इज इन एक्टिव वॉइस. फिफ्थ सेंटेंस, डू इट. दिस इज इन एक्टिव वॉइस. लेट इट बी डन, दिस इज इन पैसिव वॉइस. सिक्स्थ सेंटेंस, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड. इसमें क्या है हमारे पास? ये पैसिव वॉइस में गिवन है. द सर्वेंट इज क्लीनिंग द रूम. जो डूअर है, सर्वेंट, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो ये सेंटेंस जो है हमारे पास एक्टिव वॉइस में गिवन है. सेवेंथ सेंटेंस, मशीन विल डिस्ट्रॉय इमोशंस. तो इसमें डूअर कौन है? मशीन. तो ये एक्शन परफॉर्म कर रही है, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में है सेंटेंस. इमोशंस विल बी डिस्ट्रॉयड बाय मशीन्स. इसमें जो मशीन्स है वो क्या है? रिसीवर है. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पैसिव वॉइस सेंटेंस. नेक्स्ट एट, मिस्टर मृदुल टीचेस अस फिजिक्स. दिस इज एन एक्टिव वॉइस. वी आर टॉट फिजिक्स बाय मिस्टर मृदुल. दिस इज एन पैसिव वॉइस. नेक्स्ट नाइन्थ सेंटेंस, पीपल बिलीव ही इज अ चीट. दिस इज एन एक्टिव वॉइस. ही इज बिलीव टू बी अ चीट. दिस इज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस. सी पार्ट, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली. इनमें कुछ मिस्टेक्स हैं, उनको हमें करेक्ट करके दोबारा से लिखना है. द बॉल वर हिट वेरी हार्ड बाय हिम. अब इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट है द बॉल, दैट इज सिंगुलर. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, ना कि वर का. तो करेक्ट सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? द बॉल वॉज हिट हार्ड बाय हिम. नाउ सेकेंड सेंटेंस, द ब्लैक बोर्ड वॉज क्लीनिंग बाय मिस जो. अब हमारे पास क्या है? ब्लैक बोर्ड जो है वो साफ किया गया मिस जो के द्वारा. तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द ब्लैक बोर्ड वॉज क्लीन्ड बाय मिस जो, ना कि क्लीनिंग. थर्ड सेंटेंस, एन एप्पल वॉज ईटन बाय ही. ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट. तो ये क्या होगा? यहाँ पे ही की जगह पे क्या होना चाहिए हमारे पास? हिम. एन एप्पल वॉज ईटन बाय हिम. नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, द पेंटिंग ब्रशेज इज बींग वॉश्ड बाय दे. तो दे हमारे पास जब एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं? देम. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारे पास? द पेंटिंग ब्रशेज इज बींग वॉश्ड बाय देम. नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, अ न्यू स्टोरी विल बी टेल बाय ग्रैंडमा. विल बी टोल्ड होता है हमारे पास, टेल नहीं होता. अ न्यू स्टोरी विल बी टोल्ड बाय ग्रैंडमा. ये हमारे पास क्या है? पैसिव वॉइस सेंटेंस है. तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं. तो यहाँ पे टेल जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है. इसकी हम थर्ड फॉर्म टोल्ड का यूज करेंगे सेंटेंस में. डी पार्ट, फॉर ईच सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस टिक द करेक्ट सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस. हमें करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है उसको टिक मार्क करना है. शी शट द डोर. फर्स्ट है द डोर वॉज शट बाय शी. शी का हम हर में चेंज करते हैं. जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा. बाय हर द डोर इज शट. हमारे पास
जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में गिवन है और इसमें इस का यूज किया गया है। ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है द डोर वॉज शट बाय हर, तो ये सेंटेंस जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस, अली स्कोर्ड अ गोल। अ गोल इज स्कोर्ड बाय अली। स्कोर्ड जो है हमारे पास फॉर्म गिवन है, सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स हमारे पास सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, तो हम इसमें वॉज का यूज करेंगे, तो इसलिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास सेकेंड होगा, अ गोल वॉज स्कोर्ड बाय अली। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, जॉन इज मेकिंग अ पपेट। जॉन पपेट बना रहा है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं और सब्जेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस में गिवन है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, अ पपेट। अ पपेट जो है वो हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, इज का। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस गलत हो गए, तो थर्ड सेंटेंस जो है वो ही करेक्ट होगा हमारे पास। और अगर हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम इज एम आर के साथ बींग का यूज करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। सो अ पपेट इज बींग मेड बाय जॉन। सी पार्ट जो है वो हमारे पास थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, डैड हैज कॉट अ बिग फिश। ये सेंटेंस जो है हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिवन है। अ बिग फिश हैज बीन कॉट बाय डैड। सेकेंड में हमें अ बिग फिश के साथ वर्ब गिवन है, जो कि हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। सिंगुलर के साथ हम वर्ब का यूज नहीं करते और आर का भी यूज नहीं करते, तो इसका फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ, सैली पैट्स द डॉग। द डॉग वॉज पैट बाय सैली। पैट्स हमारे पास जो है वो वर्ब को देख के हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में है, तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, इज एम आर का। तो वॉज वर्ब का यूज नहीं करेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस हमारे पास रॉन्ग हो जाएंगे। द डॉग इज पैटेड बाय सैली। सी पार्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लासरूम असाइनमेंट 72 हम सॉल्व करेंगे वॉइस का, जो कि हमारे पास प्रेजेंट टेंस के ऊपर गिवन है। ए पार्ट, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन टू अ सुटेबल पैसिव फॉर्म। डोंट फॉरगेट टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन वर्ड ऑर्डर। हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उनमें वर्ब्स गिवन है और टेंस गिवन है। उन टेंसेस के अकॉर्डिंग हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस हमें गिवन है, हिज बाइक डैश स्टील बाय द थीव्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज, हैव प्लस बीन का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो हिज बाइक हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारे पास आएगा हैज बीन, और स्टील की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारे पास स्टोलन। स्टील स्टोल स्टोलन, तो हिज बाइक हैज बीन स्टोलन बाय द थीव्स। सेकेंड सेंटेंस, माय एड्रेस डैश नो टू हिम। ये हमें प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस गिवन है। इसमें हमारे पास क्या रूल होता है, पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम इज एम आर का यूज करते हैं प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का। तो माय एड्रेस इज नोन टू हिम। नाउ थर्ड सेंटेंस, माय रूम डैश नॉट क्लीन थॉरली बाय शीला। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हैज नॉट बीन क्लीन्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी हमारे पास, तो क्लीन्ड। फोर्थ सेंटेंस, द वॉल डैश बिल्ड बाय द मेसन। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास क्या रूल होता है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय मेसन। फिफ्थ, हैज द लेटर डैश बाय शाम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारे पास, हैज हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो has this letter been written by Shyam? Sixth, the hostages by the terrorist. Present perfect tense है, the hostages have been held by the terrorist. Seventh, is the computer
being used by the students. Next, B part, change the following sentences into passive voice. सबसे पहला sentence है हमारे पास mom and dad love us. तो ये हमारे पास present indefinite tense है. जो भी हमारे पास object है, us, उसको हम subject में change करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? We. Love का क्या हो जाएगा? Are loved. उसके बाद by mom and dad. We are loved by mom and dad. Second, John likes apples. Apples are liked by John. Third, I am eating a burger. ये हमारे पास present continuous tense है. Present continuous tense के केस में हम is MR के साथ being का भी use करते हैं, plus में third form of verb. तो a burger is being eaten by me. Fourth sentence, I have lost a watch. This is present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? अ वॉच. उसके बाद अ वॉच हमारे पास सिंगुलर है, तो हम इसके साथ हैज बीन का यूज करेंगे. लॉस्ट ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है. बाय, उसके बाद आई जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट में आएगा तो मी में चेंज हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A watch has been lost by me. Fifth sentence, my sister cooks all our meals. All our meals are cooked by my sister. Sixth sentence, mom is baking a cake. A cake is being baked by mom. Seventh, children have broken the glasses. The glasses have been broken by children. नेक्स्ट पार्ट में इसमें हमें नेगेटिव सेंटेंसेस गिवन है, इन्हें हमें पैसिव में चेंज करना है. अभी तक हम जो सेंटेंसेस कर रहे थे वो हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे. फर्स्ट है, यू डू नॉट कीप योर प्रोमिसेस. योर प्रोमिस इज नॉट केप्ट बाय यू. तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, यू डू नॉट कीप योर प्रोमिस. इसको हमने चेंज करा पैसिव में, तो योर प्रोमिस इज नॉट kept by you. Second sentence, he does not make a mischief. ये हमारे पास present indefinite tense है, इसको हम passive में change करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? A mischief is not made by him. Third, Gresham is not listening to music. ये हमारे पास present continuous tense में given है. सबसे पहले हम लिखेंगे the music, उसके बाद is. अब हमारे पास इसमें इज एम आर आ रहा है, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के केस में इज एम आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं. उसके बाद बाय, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या होगा? द म्यूजिक इज नॉट बीइंग लिसन्ड बाय ग्रेशम. फोर्थ, रोहन हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्कशीट. यह हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे. द वर्कशीट has not been completed by Rohan. Fifth sentence, I have not eaten these mangoes. इसको passive में change करेंगे. These mangoes have not been eaten by me. Next, sixth sentence, the animals are not eating food. Passive में change करेंगे. Food is not being eaten by animals. जो helping verb है वो हम according to subject use करेंगे. Active voice में हमने are use किया है क्योंकि subject जो है वो हमारे पास the animals are, that is plural. Passive में हमने इसका use किया है, इसके साथ subject जो है हमारे पास वो food है, that is singular. Next हमें third part में interrogative sentences given है, इन्हें हमें passive voice में change करना है. First है, are they whitewashing the बिल्डिंग. पैसिव में चेंज करेंगे, इज द बिल्डिंग बीइंग वाइट वॉश्ड बाय देम. सेकंड सेंटेंस, हैव यू रिसीव्ड द लेटर. हैज द लेटर बीन रिसीव्ड बाय यू. थर्ड, डज शी लाइक बनानास. पैसिव में चेंज करेंगे, आर द बनानास लाइक बाय हर. फोर्थ, हैज शी पोस्टपोन्ड द कॉन्सर्ट. Has the concert been postponed by her? Fifth, do you hear the mayor's speech clearly?
इसको पैसिव में चेंज करेंगे, इज द मेयर स्पीच हर्ड क्लियरली बाय यू। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसमें हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस गिवन है, इन्हें हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट है, डज दिस बुक सेलर नॉट सेल गिफ्ट आइटम्स? आर गिफ्ट आइटम्स नॉट सोल्ड बाय दिस बुक सेलर? ये हमारे पास पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नाउ सेकेंड सेंटेंस, हैज ही नॉट किल्ड द स्नेक? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हैज द स्नेक नॉट बीन किल्ड बाय हिम? थर्ड सेंटेंस, आर यू नॉट लिसनिंग टू द गजल? इज द गजल नॉट बीइंग लिसन्ड बाय यू? नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, हैव यू नॉट रिपेयर्ड द फ्रिज? इसको पैसिव में चेंज करेंगे, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिवन है, हैज द फ्रिज नॉट बीन रिपेयर्ड बाय यू? नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, डू यू नॉट पे टैक्सेस ऑन टाइम? ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, इसको चेंज करेंगे पैसिव में, आर टैक्सेस नॉट पेड ऑन टाइम बाय यू? नाउ नेक्स्ट वर्कशीट हम करेंगे, दैट इज क्लासरूम असाइनमेंट 73। फर्स्ट, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू अ सुटेबल पैसिव फॉर्म, डोंट फॉरगेट टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन वर्ड ऑर्डर। हमें ब्लैंक्स गिवन है, हमें अकॉर्डिंग टू टेंसेस इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस, वी डैश बाय द ओपोनेंट्स, वर्ब हमें गिवन है आउटप्ले और पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। पास्ट इनडेफिनेट टेंस में हम पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम क्या करते हैं, वॉज वर्ब का यूज करते हैं प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। आउटप्ले मीन्स हरा देना, टू डिफीट, तो वी वर आउटप्लेड बाय द ओपोनेंट्स। सेकेंड सेंटेंस, वॉज द स्टूडेंट डैश बाय द प्रिंसिपल, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें गिवन है, इसमें हम इज एम आर या वॉज वर, पास्ट के केस में तो ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें हम वॉज वर का यूज करेंगे प्लस में बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वॉज हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है सेंटेंस में, ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वॉज द स्टूडेंट बीइंग एक्सपेल्ड बाय द प्रिंसिपल। थर्ड सेंटेंस, द हॉकी मैच डैश बाय द मैच रेफरी, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, इसमें हम बीइंग का यूज नहीं करेंगे पैसिव वॉइस के केस में, तो द हॉकी मैच वॉज नॉट कैंसल्ड बाय द मैच रेफरी। फोर्थ, हैड द फोटोकॉपियर डैश बाय यू, वर्ब हमें गिवन है रिपेयर, नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में, हैड हमारे पास आ चुका है, नॉट बीन और रिपेयर्ड की थर्ड फॉर्म हमारे पास हो जाएगी रिपेयर्ड, हैड द फोटोकॉपियर नॉट बीन रिपेयर्ड बाय यू। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, अ ह्यूज वॉल डैश अराउंड द स्टेडियम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हम वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, अ ह्यूज वॉल वॉज बीइंग बिल्ट बाय अराउंड द स्टेडियम। नेक्स्ट सिक्स सेंटेंस, वर द पुलिस डैश बाय यू, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, वर द पुलिस इनफॉर्म्ड बाय यू। नेक्स्ट बी पार्ट, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, कुछ सेंटेंसेस हमें गिवन है पास्ट टेंस में, उनको हमें पैसिव में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, द एयरपोर्ट अथॉरिटीज कैंसल्ड ऑल द फ्लाइट्स, इसमें कैंसल्ड का यूज हो रहा है वर्ब का, जो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है, इट मीन्स ये हमारे पास पास्ट टेंस में गिवन है, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, ऑल द फ्लाइट्स वर कैंसल्ड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटीज। सेकेंड सेंटेंस, द पुलिसमैन वॉज चेजिंग द थीफ, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, द थीफ वॉज बींग चेज्ड बाय द पुलिसमैन। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, वार हैड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, एवरीथिंग हैड बीन डिस्ट्रॉयड इन द वॉर। फोर्थ सेंटेंस, द चिल्ड्रन वर वॉचिंग अ पपेट शो, ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हम वॉज वर्ब के साथ बींग का यूज करते हैं प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अ पपेट शो वॉज बींग वॉच्ड बाय द चिल्ड्रन। फिफ्थ, अकबर एक्सेप्टेड बीरबल्स एडवाइस,
ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हमें गिवन है, इसमें हम बीइंग का यूज नहीं करते। बीरबल्स एडवाइस वॉज एक्सेप्टेड बाय अकबर। नेक्स्ट सिक्स सेंटेंस, द किंग हैड लॉस्ट द बैटल। ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे हम, हैड के साथ बीइंग का यूज करेंगे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द बैटल हैड बीन लॉस्ट बाय द किंग। नेक्स्ट सेवेंथ सेंटेंस, शी वॉज नॉट राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, अ पोस्ट कार्ड वॉज नॉट बींग रिटन बाय हर। एट सेंटेंस, शीला स्विच्ड ऑफ द लाइट्स। इसको पैसिव में चेंज करेंगे, द लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ बाय शीला। नाइन्थ सेंटेंस, दे हैड बॉइल्ड द वॉटर। इसको पैसिव में चेंज करेंगे, द वॉटर हैड बीन बॉइल्ड बाय देम। टेंथ सेंटेंस, मोनिका टोर द बुक इन टू पीसेस। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस के केस में हम वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, द बुक वॉज टॉर्न इन टू पीसेस बाय मोनिका। नाउ सेकेंड पार्ट, इसमें हमें नेगेटिव सेंटेंसेस गिवन है जो कि पास्ट फॉर्म में है, इनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस, इंडिया डिड नॉट विन द क्रिकेट मैच। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, इसको नेगेटिव, ये हमारे पास नेगेटिव में है, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द क्रिकेट मैच वॉज नॉट वॉन बाय इंडिया। सेकेंड, द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द कल्प्रिट्स। इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, द कल्प्रिट्स हैड नॉट बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। थर्ड सेंटेंस, द जनरल वॉज नॉट इंस्पेक्टिंग द परेड। इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, द परेड वॉज नॉट बींग इंस्पेक्टेड बाय द जनरल। फोर्थ सेंटेंस, दे वर नॉट क्लियरिंग द अकाउंट्स। ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हम मीन का यूज करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, द अकाउंट्स वर नॉट बींग क्लियर्ड बाय देम। फिफ्थ सेंटेंस, वी डिड नॉट सॉल्व द सम वॉज नॉट सॉल्व बाय अस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसमें हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस गिवन है, इन्हें हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट हमें गिवन है, डिड यू पेंट ऑल दीज पिक्चर्स। इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, वर ऑल दीज पिक्चर्स पेंटेड बाय यू। नाउ सेकेंड सेंटेंस, द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द कल्प्रिट्स। The culprits had not been arrested by the police. Now third sentence, the general was not inspecting the parade. The parade was not being inspected by the general. Fourth sentence, they were not clearing the accounts. The accounts were not being cleared by them. We did not solve the sum. The sum was not solved by us. Now third part, इसमें हमें interrogative sentences given है, इन्हें हमें passive voice में change करना है। First sentence हमें given है, did you paint all these pictures? इसको passive में change करेंगे, were all these pictures painted by you? Pictures हमारे पास plural subject है, तो इसके साथ हम were का use करेंगे। Second sentence, had the fire been destroyed the godown, had the fire destroyed the godown। तो इसमें हमारे पास ये past perfect tense है, इसको हम change करेंगे हम passive में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, had the godown been destroyed by the fire। Now third sentence, were the boys singing the national anthem? ये हमारे पास past continuous tense में given है, इसको हम change करेंगे passive में, हमारे पास आ जाएगा was the national anthem being sung by the voice। Next fourth sentence, did he deserve a prize? इसको passive में change करेंगे, was a prize deserved by him? क्योंकि ये हमारे पास past में given है, sentence में हमें did given है, it means ये हमारे पास past indefinite tense में given है, तो इसके लिए हम was और were का use करते हैं। अगर subject was, subject हमारे पास singular है, तो उसके साथ हम was का use करेंगे। अब fourth पार्ट में हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस गिवन है, इनको हमें पैसिव में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस हमें गिवन है, डिड यू नॉट पे द बिल्स। इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में,
वर द बिल्स नॉट पेड बाय यू। सेकेंड पार्ट हमारे पास है वर द काउज नॉट ईटिंग ग्रास। इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, वॉज ग्रास नॉट बींग ईटन बाय द काउज। थर्ड सेंटेंस हैड द स्नो नॉट कवर्ड द फील्ड्स। इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, हैड द फील्ड्स नॉट बीन कवर्ड बाय द स्नो। नाउ फोर्थ सेंटेंस, डिड शी नॉट रजिस्टर अ कंप्लेंट। इसको पैसिव में चेंज करेंगे, वॉज अ कंप्लेंट नॉट रजिस्टर्ड बाय हर। फिफ्थ सेंटेंस, वर द मेड्स नॉट लुकिंग आफ्टर द किड्स। इसको चेंज करेंगे पैसिव में, वर द किड्स नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय द मेड्स। नेक्स्ट हम क्लासरूम असाइनमेंट 74 सॉल्व करेंगे वॉइस की। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। हमें इनको पैसिव में चेंज करना है। इसमें हमें फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस गिवन है या फिर जिसमें मॉडल्स यूज हो रहे हैं। फर्स्ट है, वी कैन बोरो सम मनी फ्रॉम द बैंक। तो जिसमें भी हमारे पास कोई मॉडल वर्ब आ रहा है, कैन आ रहा है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ बी का यूज करते हैं जब हम उसको पैसे में चेंज करते हैं। तो जब हम इसको पैसे वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, सम मनी कैन बी बोरोड फ्रॉम द बैंक बाय अस। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, अवर पार्टी विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। तो इसमें हमारे पास विल का यूज हो रहा है, अगर हमारे पास सेंटेंस में विल शैल का यूज होता है तो उसके साथ भी हम बी का यूज करते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय आर पार्टी। थर्ड सेंटेंस, आई शुड हैव नोन द फैक्ट्स ऑफ द केस। द फैक्ट्स ऑफ द केस शुड हैव बीन नोन टू मी। ये हमारे पास परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें हम हैव के साथ बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, द किंग यूज्ड टू ड्राइव दिस कार हिमसेल्फ। दिस कार यूज्ड टू बी ड्रिवन बाय द किंग हिमसेल्फ। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, यू हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे एट एनी कॉस्ट। इसको पैसिव में चेंज करेंगे, दिस वर्क has to be finished today by you at any cost. Now, negative sentences है हमारे पास। First, हमारे पास है the company couldn't finish the project on time. इसको पैसे में change करेंगे, the project couldn't be finished today by you. Now, second sentence, the judge ought not to have accepted the application. इसको पैसिव में चेंज करेंगे, द एप्लीकेशन ऑट नॉट टू हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द जज। नाउ थर्ड सेंटेंस, इंडिया विल नेवर वायलेट द एग्रीमेंट। इसको पैसिव में चेंज करेंगे, एग्रीमेंट विल नेवर बी वायलेटेड बाय इंडिया। फोर्थ सेंटेंस, ही शुड हैव नॉट साइन एनी ब्लैंक चेक्स। इसको पैसिव में चेंज करेंगे, नो ब्लैंक चेक्स शुड हैव बीन साइंड बाय हिम। फिफ्थ सेंटेंस, दे नीड नॉट चेंज द प्लान। इसको पैसे में चेंज करेंगे, द प्लान नीड नॉट बी चेंज्ड बाय देम। नाउ थर्ड पार्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। विल यू कैप्टन द टीम अगेन। विल द टीम बी कैप्टेन्ड बाय यू अगेन। नाउ सेकेंड सेंटेंस, शुड राम अलोन पे द फाइन। इसको पैसे में चेंज करेंगे, Should the fine be paid by Ram alone? Third sentence, must so much noise be made by them? Fourth sentence, ought we to make such tall claims? इसको change करेंगे passive में, ought such tall claims to be made by us? Now fifth sentence, will she have completed the work? इसको change करेंगे passive में, Will the work have been completed by her? Now, fourth part, इसमें हमें interrogative negative sentences given है, इनको हमें passive voice में change करना है। First sentence है, Can we not change the plan now? Can the plan not be changed by us now? Second, Would they not cancel the tour? Would the tour not be cancelled
by them. Now, third sentence, ought the people not to pay taxes on time? इसको पैसे में चेंज करेंगे. Ought taxes not to be paid on time by the people? Now, fourth sentence, should we not have released the movie last week? Should the movie not have been released by us last week? Now we will do classroom assignment 75 of BBC. Change the following sentences into passive voice. First हमें given है my parents gave me the best possible education. इसको passive में हमें change करना है. I was given the best possible education by my parents. Second, he gave his wife a diamond necklace on her birthday. His wife was given a diamond necklace on her birthday by him. Third sentence, you should teach him a lesson. He should be taught a lesson by you. Fourth sentence, my mother teaches me grammar. I was taught grammar by my mother. Fifth sentence, the party will offer you a seat. You will be offered a seat by the party. Sixth sentence, she bought the baby a doll. इसको passive में change करेंगे. The baby was bought a doll by her. Next sentence, the jury gave him another chance. He should be given another chance by the jury. Now second part, इसमें first हमें given है, he looks after the baby well. The baby is looked after well by her. Second, the boy laughed at the beggar. The beggar was laughed at by the boy. Now, third sentence, the committee agreed to my proposal. My proposal was agreed to by the committee. Fourth sentence, the police are looking into the matter. The matter is being looked into by the police. Fifth, the police did not even look at my application. The application was not even looked at by the police. Sixth, they took no notice of me. No notice of me was taken by them. Seventh, the bank will write off your debts. Your debts will be written off by the bank. Now third part, first given hai, they will have to adopt a different strategy. A different strategy will have to be adopted by them. Second, they have got to do it today. It has got to be done by us today. Third, I expect to finish the project within 6 months. The project is expected to be finished within 6 months. Fourth, Captain Smith is to command this ship. This ship is to be commanded by Captain Smith. Fifth, they ought to set the old man free. The old man ought to be set free by them. It is time to take a break. It is time for the break to be taken. Fourth part, do it at once. Let it be done at once. Second, deposit the money in the bank. You are ordered to deposit the money in the bank. Third, do not exploit the poor. You are appealed not to exploit the poor. Fourth, let us not hide the fact. Let the fact not be hidden by us. Fifth, never tell a lie. A lie should never be told. Sixth, leave the room at once. You are ordered to leave the room at once. Seventh, kindly grant me leave for 2 days. You are requested to grant me leave for 2 days. Now we will do classroom assignment 76 of BBC. Given below are some instructions on how to make carrots with butter. Read them carefully and then rewrite each of them in the passive voice. हमें कुछ instructions given है that how to make carrots with butter. कि carrots with butter हम कैसे बनाएं, इनको हमें read करके passive voice में change करना है. तो first instruction क्या है? Put the carrot, butter and sugar in a pan and season. इसको हमें passive में change करना है. The carrots, butter and sugar are put in
a pan and seasoned. Second sentence, pour in some water to cover the carrots. Some water is poured in to cover the carrots. Third, bring the mixer to a simmer, cover and cook for about 15 minutes. The mixer is brought to a simmer, covered and cooked for about 15 minutes. Fourth, increase the heat to high and cook the mixer until all the water has evaporated and carrots are glazed. The heat is increased to high and the mixer is cooked until all the water has evaporated and carrots are glazed. Now the passive structures you have written above to complete the paragraph that describes in passive voice how carrots with butter is prepared. अब हमें कुछ प्रोसेस गिवन था कैरेट्स विद बटर को बनाने का, उनको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया, उसी को यूज करते हुए हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है. क्या गिवन है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरेट्स बटर एंड शुगर आर पुट इन अ पैन एंड सीजनड, देन सम वाटर इज पोर्ड इन टू कवर द कैरेट्स. नेक्स्ट द मिक्सचर इज ब्रॉट टू अ सिमर, covered and cooked for about 15 minutes. Finally, the heat is increased to high and the mixture is cooked until all the water is evaporated and the carrots are glazed. B. A technician used the following instructions to defrost Karina's refrigerator. First, turn the temperature control switch to off position. Second, remove the frozen foods from frozen food compartment. Third, remove the contents from the chill tray. Fourth, fill a suitable dish with hot water and place it in the frozen food compartment. As the water cools, replace it with hot water until defrosting is complete. Fifth, now clean and wipe the frozen food compartment dry. Sixth, empty water from the chill tray. Dry and replace the tray. 7. Turn the temperature control switch to normal position. 8. Return the frozen food now to the compartment. Read the instructions carefully and complete the following paragraph that describes in passive voice how Karina's refrigerator was defrosted. अब इसी प्रोसेस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करके लिखना है. अब हमें क्या पैराग्राफ गिवन है? दिस इज व्हाट द टेक्नीशियन डिड टू डिफ्रॉस्ट करीनास रेफ्रिजरेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल, द टेम्परेचर कंट्रोल स्विच वॉज टर्न टू ऑफ पोजिशन एंड द फ्रोजन फूड्स वर रिमूव फ्रॉम द फ्रोजन कंपार्टमेंट. देन द कंटेंट्स वर रिमूव फ्रॉम द चिल ट्रे, आफ्टर विच अ सुटेबल डिश वॉज फिल्ड with hot water and placed in the frozen food compartment. As soon as the water cooled, it was replaced with hot water. Defrosting was complete. Next, the frozen food compartment was cleaned and wiped dry and the water from the chill tray emptied. After this, the tray was replaced and dried and the temperature control switch was turned to normal position. Finally, the frozen food was returned to the compartment. Next is homework assignment 32. A part, tick the correct option in passive voice for each of the following active voice sentences. फर्स्ट, वी डू नॉट लाइक मैंगोज. इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, करेक्ट ऑप्शन को टिक मार्क करना है. तो मैंगोज इज नॉट लाइक बाय अस, मैंगोज आर नॉट लाइक बाय अस. मैंगोज प्लूरल है तो हम इसके साथ आर का यूज करेंगे तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड, इज द लाउड म्यूजिक बॉदरिंग यू? आर यू बींग बॉदर्ड बाय द लाउड म्यूजिक? आर यू बॉदर्ड बाय द लाउड म्यूजिक? तो हमारे पास सेकेंड सेंटेंस इंटरोगेटिव है जो कि हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गिवन है. इसमें इज आ रहा है तो इसके साथ हम बीइंग का यूज करेंगे तो फर्स्ट
ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस, आई हैव नेवर टोल्ड लाई, अ लाई वॉज नेवर टोल्ड बाई मी, अ लाई हैज नेवर बीन टोल्ड बाई मी। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गिवन है, इसमें हम बीन का यूज करते हैं और साथ में हैज हैव का। तो अलाई हमारे पास सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, अलाई हैज नेवर बीन टोल्ड बाय मी। फोर्थ, मदर इज प्रिपेयरिंग डिनर, ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में गिवन है, इसमें हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसके साथ बीइंग का यूज करेंगे, तो डिनर इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मदर, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस, दे कंक्वर्ड द एनिमी, द एनिमी वॉज कंक्वर्ड बाय देम, द एनिमी वॉज बींग कंक्वर्ड बाय देम, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सिक्स, शी वॉज सॉल्विंग द जिग्सो पजल, द जिग्सो पजल वॉज बींग सॉल्व बाय हर, द जिग्सो पजल वर बींग सॉल्व बाय हर। तो क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसमें वॉज का यूज करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेवन, ही हैड ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज वॉज ऑलरेडी डन बाय हिम, द एक्सरसाइज हैड ऑलरेडी बीन डन बाय हिम। ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में गिवन है तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट गिवन है। सैम मस्ट कंप्लीट दिस टास्क टुडे, दिस टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय सैम टुडे, दिस टास्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड बाय सैम टुडे। तो हमारे पास अगर कोई भी मॉडल वर्ब आ रही है तो उसके साथ हम बी का यूज करते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, द टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय सैम टुडे। नाइन्थ, द फैमिली शुड हैव रिपोर्टेड द थेफ्ट, द थेफ्ट शुड हैव बीन रिपोर्टेड बाय द फैमिली, द थेफ्ट शुड बी रिपोर्टेड बाय द फैमिली। इसमें हमारे पास हैव आ रहा है तो हम हैव के साथ बीन का यूज करते हैं, तो फर्स्ट चॉइस हमारे पास करेक्ट हो जाएगी, द थेफ्ट शुड हैव बीन रिपोर्टेड बाय द फैमिली। नेक्स्ट, टेंथ, ऑट वी टू एक्सप्लॉइट द पुअर, ऑट द पुअर टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय अस, ऑट नॉट द पुअर टू बी एक्सप्लॉइटेड बाय अस। क्योंकि हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो हम इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बी पार्ट, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, इन्हें हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फर्स्ट, हु टॉट यू इंग्लिश इन हाई स्कूल, तो हु को हम बाय हुम में चेंज करते हैं जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश इन हाई स्कूल। सेकेंड, ही गेव देम अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, They were given a box of sweets by him. Third, he bought her a beautiful dress. A beautiful dress was bought for her by him. I have sold my car. My car has been sold by me. Fifth, I gave my wife a diamond ring. A diamond ring was given to my wife by me. Sixth, a pebble hit me on the road. I was hit on the head by a pebble. Seventh, they say that he is a wise man. He is said to be a wise man. Eighth, the Prime Minister will address the nation at 8. The nation will be addressed at 8 by the Prime Minister. Ninth, he is an affectionate soul. Mother is known to be affectionate soul. 10th, the principal will inspect our classroom tomorrow. Our classroom will be inspected tomorrow by the principal. 11th, has pollution made problem worse? Has the problem been made worse by pollution? 12th, always speak the truth. Truth should always be spoken. 13th, please help him. You are requested to help him. 14th, return these books by Monday. You are instructed to return these books by Monday. 15. Do not stick posters on this wall. You are ordered not to stick posters on this wall. C part, convert the following sentences into active voice. First, I was attended to by the nurse. The nurse attended to me. अब हमें sentences जो है वो passive voice में given है और हमें इनको active voice में change करना है. Second, you are requested to help her. Please help her.
रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम उसके लिए प्लीज का यूज करेंगे. थर्ड, इट वॉज थॉट दैट ही वॉज मैड. दे थॉट ही वॉज मैड. फोर्थ, मैनी पेजेस वर वेस्टेड बाय हरिसन. हरिसन वेस्टेड मैनी पेजेस. फिफ्थ, कैन द प्रपोजल बी अप्रूव बाय अस. कैन वी अप्रूव द प्रपोजल. एक्टिव वॉइस में अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस है तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे. सिक्स्थ, अ मैच हैज नेवर बीन लॉस्ट बाय साइना. तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव में गिवन है, पैसिव में हम बीइंग का यूज करते हैं बट एक्टिव में नहीं करते हैं. तो साइना हैज नेवर लॉस्ट अ मैच. साइना जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा और मैच जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. द बैटल वॉज वॉन बाय द आर्मी. अब आर्मी जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा जब हम इसको एक्टिव में करेंगे. वॉज वॉन लिखा है, इसमें बीइंग नहीं आ रहा, इट मीन्स ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, द आर्मी वॉन द बैटल. एट, द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी कॉन्टेस्टेड बाय हिम. अब इसको कैसे चेंज करेंगे, हिम जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट में आके ही बन जाएगा, ही विल कंटेस्ट द नेक्स्ट इलेक्शन. नाइन, द चॉपर वॉज फ्लोन बाय द पायलट. द पायलट फ्लू द चॉपर. अब इसमें हमारे पास वॉज आ रहा है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, वो हमारे पास पैसिव में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज करते हैं. तो हमारे पास ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास ये सेंटेंस चेंज होगा जब हम इसको एक्टिव में करेंगे. टेंथ सेंटेंस, मैनी बॉक्सेस हैव बीन टेकन बाय हर. इसमें हमने हैव बीन का यूज करा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा ये हमारे पास जब हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे. तो हमारे पास सेंटेंस क्या आएगा, शी हैज टेकन मैनी बॉक्सेस. डी पार्ट, रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन पैसिव वॉइस. हम एक पैराग्राफ गिवन है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करके लिखना है. टू स्पैरोज बिल्ट अ नेस्ट ऑन अ बनियन ट्री. द फीमेल स्पैरो लेड एन एग ऑन द फुल मून नाइट. गॉड ब्लेस द कपल विद अ ब्यूटिफुल बेबी स्पैरो. पापा स्पैरो एंड मामा स्पैरो टुक केयर ऑफ द बेबी. दे वुड गिव हर टाइनी सीड्स एंड लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर. दे वुड ऑल्सो सेव हर फ्रॉम हीट एंड बैड वेदर. वन डे अ मैड एलिफेंट पुल्ड द ट्री डाउन एंड स्पैरो फैमिली लेफ्ट द ट्री फॉरएवर. अब इस सेंटेंस को पैसिव में लिखेंगे. अ नेस्ट वॉज बिल्ट बाय टू स्पैरोज ऑन अ बनियन ट्री. एन एग वॉज लेड बाय द फीमेल स्पैरो ऑन द फुल मून नाइट. द कपल वॉज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटिफुल बेबी स्पैरो बाय गॉड. द बेबी वॉज टेकन केयर ऑफ बाय पापा स्पैरो एंड मामा स्पैरो. शी वुड बी गिवन टाइनी सीड्स एंड लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर बाय देम. She would also be saved from heat and bad weather by them. One day, the tree was pulled down by a mad elephant. The tree was left forever by the sparrow family.